Hello everyone, welcome to English Baba channel. Today we are going to discuss MCQs of class 9th chapter 6, that is tissues. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, हम बिना टाइम वेस्ट किए 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्वेश्चंस को. अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज. ऑप्शन ए, इट कॉजेज द सेल टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग डेथ. ऑप्शन बी, किल्स द सराउंडिंग सेल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम्स. ऑप्शन सी, द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सेल की डेथ भी कॉज करता है, एंजाइम भी रिलीज करता है और बहुत सारे चीज़ों को डाइजेस्ट भी करता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, दे कैन बी कंट्रोल्ड. ऑप्शन बी, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन सी, सेल्स आर बाय न्यूक्लिएट. ऑप्शन डी, फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. भाई ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं, सिर्फ एक नहीं. तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. अब हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो हार्ट के बाहर कैसे प्रेजेंट हो सकती हैं, हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यूज. इनमें से कौन सा एलिमेंट जाइलम टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता? तो जाइलम टिश्यू के अंदर इनमें से सीव ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होता. बाकी जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ये प्रेजेंट होते हैं. सीव ट्यूब्स की जगह पे जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मेरिस्टमैटिक टिश्यूज. मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डिविजन का काम करते हैं ये. तो लेट्स सी, ऑप्शन ए, कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. ऑप्शन बी, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल. ऑप्शन सी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर एबल टू परफॉर्म सेल डिवीजन. तो अभी हमने क्या बोला था कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो हैं वो डिवीजन के काम आते हैं. तो ऑप्शन सी सही है, एक ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि सेल डिवीजन परफॉर्म करता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोविंग इज कनेक्टिव टिश्यू. इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू है? तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारा ब्लड. जब भी आप ब्लड का टॉपिक पढ़ते हो तो आपके टीचर्स जो हैं आपको एक लाइन बताते हैं ब्लड का टॉपिक शुरू करते ही, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर सीमेंटेड टू वन अनदर फॉर्मिंग एन इररेगुलर लेयर. दीज फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ स्किन इन एन एनिमल्स बॉडी. एनिमल्स बॉडी की जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव स्किन है वो कौन बनाता है, ये पूछा जा रहा है. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड एलोंगेशन ऑफ अ बैम्बू स्टेम इज ड्यू टू. बैम्बू स्टेम का जल्दी जल्दी बढ़ना किसकी वजह से होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एक मेरिस्टेम का टाइप होता है इंटरकैलरी, उसकी वजह से बैम्बू स्टेम जल्दी जल्दी बढ़ पाती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डिसमेल्टिंग एंड रिसाइकलिंग इन अ सेल इज अंडरटेकन बाय. किसी भी चीज़ को डिसमेल्ट करना, पिघला देना या रिसाइकिल करना, ये कौन करता है? ये सेल के अंदर करता है लाइसोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी. ये बात हम सबको पता है कि टिश्यू क्या होते हैं, स्टार्टिंग में बोला था. Therefore, presence of tissues in a multicellular organisms ensures. किसी भी multicellular organism में tissue present होने की वजह से क्या होता है?
First, faster development. B, division of labor. C, high reproductive potential. D, body strength. तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, division of labor. सबका काम बढ़ जाता है, सबको अपना अपना काम पता होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? जब भी आप कोई काम करते हो, चलते हो या अपने हाथ वगैरह हिलाते हो, तो आप इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट्स टू मूव द बोन्स. ऑप्शन बी, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव द बोन्स. ऑप्शन सी, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट्स टू मूव द बोन्स. एंड ऑप्शन डी, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्डियक मसल इज वन ऑफ थ्री मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स, द अदर्स बींग स्केलेटल एंड स्मूथ मसल. तीन टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियक मसल्स. इनमें से कौन से स्टेटमेंट कार्डियक मसल से रिलेटेड नहीं है? दैट इज ऑप्शन सी, दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच मसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पेरेनकाइमा टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिल्कुल ठीक है. सेकेंड है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इररेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है. एंड ऑप्शन थर्ड, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज. तो ये जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे गलत है, ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन मैच विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड वर डिसलोकेटेड. किसी बंदे का भाई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसके हाथ की दो लंबी बोन्स डिसलोकेट हो गई हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस. कौन सा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो? ए, टेंडन ब्रेक्स. बी, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यूज. सी, लिगामेंट ब्रेक्स. या डी, एरियोलर टिश्यू ब्रेक्स. वाई दिस हैपेंस. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, लिगामेंट ब्रेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा फॉर द प्लांट. स्टोमेटा जो है इनमें से प्लांट्स के लिए कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? ऑप्शन ए है कि भाई एक्सचेंज करता है गैसेस का, CO2 और O2 करता है. सेकेंड है, वाटर को लॉस करता है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के दौरान वाटर वेपर्स को भी लॉस करता है. ठीक है, हेल्प. ऑप्शन सी है, हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अपवर्ड बाय इट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये भी बिल्कुल ठीक बात है, प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो सके. एंड द लास्ट ऑप्शन इज, हेल्प्स द लीव्स टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, डायरेक्टली स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ओके, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एपिथेलियल टिश्यूज ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड एन इनर सरफेस एंड कॉर्ड टू कनेक्टिव टिश्यू बाय अ थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द. जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है. वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, बेसमेंट मैम्ब्रेन. उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेसमेंट मैम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंपल एपिथीलियम इज अ टिश्यू विच फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द एनिमल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर. जो सिंपल एपिथीलियम टिश्यू है जो हमारे एनिमल बॉडी की आउटर लेयर बनाता है, उसके अंदर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म एन इररेगुलर लेयर. एक दूसरे के साथ डायरेक्टली चिपके हुए होते हैं, एक इररेगुलर सी लेयर बनाते हैं
Option C is correct. Next question. If the tip of sugarcane plant is removed from the field, even it keeps on growing in length, it is due to the presence of. टिप हटाते जाती है sugarcane plant की, लेकिन फिर भी वो height में grow कर रहा है, किसकी वजह से? Because of intercalary meristem. Option D is correct. Next question. अभी आ गए हैं assertions and reason के questions. Assertion, reason के questions भी आपके आएंगे exams में, term 1 में, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा. Directions देख लेते हैं क्या कुछ है. अगर आपके दोनों reasons, assertion और reason दोनों सही हैं और reason correct explanation, मतलब totally अच्छे से explain करता है assertion को, तो option A correct है. B, अगर दोनों ठीक हैं लेकिन वो रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है assertion को, तो बी ऑप्शन. ऑप्शन सी, assertion ठीक है रीज़न गलत है. एंड ऑप्शन डी, दोनों गलत है. तो ये ऑप्शंस आप याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट assertion रीज़न का क्वेश्चन है. assertion दिया हुआ है, parenchyma cells help in storage of food. रीज़न, parenchyma cells are the main seeds of photosynthesis. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन. मतलब assertion और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया assertion को. ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion, वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. जो वस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जैसे हमारे जाइलम फ्लोएम हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक फीचर्स होते हैं. रीज़न, वस्कुलर टिश्यूज हैज़ मेड सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स पॉसिबल इन टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट. दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, assertion भी सही है, reason भी सही है. वस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं प्लांट्स, लेकिन इस रीज़न ने उस assertion को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने एक अलग से ही स्टेटमेंट पास कर दी. तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट है. एक और बात, assertion और रीज़न के क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये ईजी लगेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको. चाहे आपको कितने भी अच्छे से चैप्टर आता हो, तब भी थोड़ा सा सोच के करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion दिया हुआ है, द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज टॉल एपिथेलियल सेल्स. रीजन, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. अब इन्होंने बोला assertion में कि जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, अंदर वाली लाइनिंग है, उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं. बिल्कुल सही बात है. रीज़न क्या दिया, क्योंकि ये जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करते हैं. करेक्ट रीज़न दिया है, इसीलिए वो लंबे होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों ठीक हैं और रीज़न बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उसको. नेक्स्ट assertion दिया हुआ है, परमानेंट टिश्यू इज कंपोज ऑफ मैच्योर सेल्स. सही बात है. रीज़न, मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. ये बात तो सही है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लेकिन उसको थोड़ी, परमानेंट टिश्यू को थोड़ी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. यानी assertion और रीज़न दोनों सही हैं, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड. ज़्यादातर प्लांट टिश्यूज डेड होते हैं, ठीक है बिल्कुल. रीज़न, ड्यू टू सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, डेड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मोर ईजिली देन लीव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस. क्यों होते हैं, रीज़न भी दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो डेड प्लांट सेल्स होते हैं वो प्लांट को ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उनके मेंटेनेंस, रख रखाव की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं. ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसने assertion को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion दिया हुआ है, सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. एकदम करेक्ट है. जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है वो मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है. रीज़न, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट. क्यों, रीज़न क्या दिया, क्योंकि उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ,
Option A. Next question. Assertion diya hua hai, meristematic tissues constitute the major portion of the plant body. जो meristematic tissue है वो major portion constitute करते हैं plant body का. नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता. रीज़न, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स. नहीं, यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट है. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन दिया हुआ है सरफेस ऑफ स्किन इज इम्परवियस टू वाटर. रीज़न, सरफेस ऑफ स्किन इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम. अब यहाँ पे जो असर्शन दिया हुआ है कि जो स्किन की जो सरफेस है वो वाटर से इम्परवियस होती है, वो सही है. लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है सरफेस ऑफ स्किन इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, वो गलत है, इससे कवर नहीं होती है. आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि स्किन जो है उस पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है. यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी. ओके, असर्शन ठीक है लेकिन रीज़न गलत है. ओ ओ, इट्स क्वेश्चन टाइम. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जाइलम जो है वो ये चीज़ें करता है. वो प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फोर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इसमें सेल्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा सेल जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता है. राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट.